हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ट्रांजिट करंट। ट्रांजिट करंट क्या होता है? अगर हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसमें ओनली क्या लगा हो, प्योर इंडक्टर। व्हाट इज प्योर इंडक्टर? और क्या लगा हो? और लगा हुई आपकी प्योर कैपेसिटर, या फिर दोनों लगे, दोनों हमने सर्किट है एलसी सर्किट हो, तो व्हेन वी स्विच ऑन, जैसे स्विच ऑन करते हैं करंट ग्रो करती है। जैसे ही करंट ग्रो करती है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट विच अपॉन द ग्रोथ ऑफ द करंट। सो करंट टेक्स सम फाइनाइट टाइम टू गो टू द मैक्सिमम वैल्यू। अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जो मेन करंट होती है वो जाने में कुछ टाइम लेती है, और इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ उसका अपोज करते हैं। तो ये जो इंक्रीज होती जा रही है, जो फाइनाइट टाइम लगा वो इंक्रीज हो रही है, चेंजिंग करंट है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिट करंट। कैसे? कोई ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास, मींस एसी, व्हिच टेक्स शॉर्ट फाइनाइट टाइम टू ग्रो अप टू द मैक्सिमम वैल्यू और टू बी जीरो, टू बिकम जीरो। जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं, जैसे सर्किट में स्विच ऑफ करके हर रेफरेंस करंट डिक्रीज होना, मेन करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, डीके होगी, नष्ट होती जाएगी और मिनिमम वैल्यू तक जाएगी। कौन से सर्किट में? एलएफसी में या एलसी में, दैट करंट इज कॉल्ड ट्रांजिट करंट। और लिखा हुआ है कि इट इज ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट एंड द सेम व्हेन सेम थिंग हैपन एंड द सेम हैपन्स व्हेन सर्किट इज ऑफ, व्हेन सर्किट इज स्विच ऑफ। सर्किट जब स्विच ऑफ करते हो तभी भी एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ओके, थैंक यू।